जम्मू कश्मीर में नवनिर्मित अनंतनाग राजौली लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पुलवामा जिले में धारा 144 लगा दी है। इस सीट से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को अभूतपूर्व बताया और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलवामा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अभूतपूर्व है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। महबूबा ने भारत के चुनाव आयोग पर तंज कसा। पीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर भारत का चुनाव आयोग 1987 में जो हुआ उसे दोहराना चाहता है तो चुनाव का ये नाटक क्यों रचा जा रहा है। सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल उनके द्वारा समर्थित प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक अजीब तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पीडीपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और परेशान किया जाता है। 70 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता आजम खान को हाल ही में हिरासत में लिया गया था। उन्हें 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। राजौरी संसदीय क्षेत्र में 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर शामिल है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में मतदान हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा। वोटों की गिनती और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।